नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के साथी चौक पे हैं। इसी बीच देश का धूमधाम से बड़ी धूमधाम के साथ जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच हम इस वक्त साथी चौक पे हैं और इधर के स्थानीय लोग मौजूद हैं जी। आज देश का जो है स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये स्वतंत्रता दिवस है, आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये शास्त्री चौक है, राष्ट्रीय युवा संगठन के द्वारा इसको 25 साल से यहाँ इधर 25 साल से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाता है। हम लोग के कुमार झा जी संयोग से उपलब्ध यहाँ नहीं है और हमेशा से यहाँ जो है देश की आज़ादी के लिए हम लोग युवा संगठन हमेशा तन मन धन से तैयार रहते हैं। ये हमारे आज़ादी में जो है कई लोगों का बलिदान है, कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। और जब अंग्रेज जो है मतलब देश से जब निकल रहे थे, उनको बैंड माजाओं के साथ विदा किया गया, तो चीज़ जो मतलब हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ अंग्रेजों के द्वारा, जो कि हम आज सोचते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन उस बीच जो है परिवारवाद पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो है ये अंग्रेजों को जो है बैंड माजाओं के साथ मराठियों की तरफ विदा किया। और आप क्या कहना था? ऐसे तो कहा गया है भारतवर्ष में वसुदेव कुटुंबकम, हमारे यहाँ पर जो आते हैं कुटुंब होते हैं, तो हम लोग तो अनेक आदमी का सम्मान करते हैं और उन्होंने अत्याचार किया और कांग्रेस ऐसे भी हम लोग के भारत माता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कांग्रेस के क्या बात है, आज हमें अपना हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो खंडित हो गया, परेशान हो गया, बिलादेश हो गया, ये सब कांग्रेस की देन है। यार बड़े धूमधाम के साथ जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जा रहा है आज की देश में, क्या कहना चाहते हैं? ये इस चौक पे खड़ा होकर हम लोग आज़ादी का आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पंडित लाल बहादुर शास्त्री का चौक है और पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश में नारा लगाया था जय जवान जय किसान का, और जय जवान के साथ में आज देख रहे हैं जितने भी यहाँ नवयुवक, आज तक के ये नवयुवक संगठन है, शास्त्री युवा संगठन है और शास्त्री चौक यहाँ परसों से हम लोग जो है युवा इस चौक का जीर्णोद्धार करवाए हैं। हमारे नगर विधायक का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, वो हमेशा युवाओं को यहाँ प्रोत्साहित करते हैं, आते हैं और समय समय पर में यहाँ का सौंदर्यीकरण, अब इस बार हम लोगों ने उनसे मांग रखा है कि इस बार शास्त्री जी के ऊपर में जो है सुसेट बनना चाहिए। हम लोग के जो युवा नेता है उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ी है, उनका नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार है, संजोग से वो आज हमारे बीच में नहीं है, कॉलेज गए हुए हैं। उनकी लड़ाई को हम लोग अनवरत आगे जारी रखेंगे और इस चौक का जीर्णोद्धार हो और तभी असल मायने में युवाओं का अमृत महोत्सव होगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, क्योंकि मानसिक रूप से हम आज़ाद हो गए हैं लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारा विकास होना है। चौक का सौंदर्यीकरण बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें लगातार काम हुआ है और काम होते रहेगा, आज़ादी का एक नया जोश उत्पन्न हो जाता है। अभी आपने जो सवाल पूछा कि हमारे देश में युवा किस तरह से भागीदारी, तो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, काफ़ी जोश आ जाता है हम लोगों के अंदर में और हम लोग जोर शोर से इस आज़ादी को अमृत महोत्सव मनाने का जो है काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है हमारे और राष्ट्रीय पर्व में युवाओं की भागीदारी इसी तरह के संगठन के द्वारा और इस संगठन का जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी जो है जो हमारे इस आज़ादी के पर्व में। आज बड़े धूमधाम के साथ जो है साथी चौक पे जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। दरभंगा के माननीय विधायक ने इधर झंडा फहराया और इस तरह के स्थानीय लोगों ने बहुत ही धूमधाम से इधर स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार मनाया। ये देश का महापर्व है। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा साथी चौक दरभंगा।